हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोनिका है एंड आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ब्राउन स्किन एपिल 9 का, जो कि एक एपिलिएटर है। एंड इस एपिलिएटर के साथ आपको एक शेवर मिल जाता है। इसमें शेव भी आप कर सकते हैं, मतलब ट्रिमिंग भी आप कर सकते हैं और एपिलिएट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि एपिलिएटर होता क्या है। तो जैसे हम लोग थ्रेडिंग या फिर वैक्सिंग कराते हैं ना, तो हमारे हेयर्स जो होते हैं वो जड़ से निकलते हैं, मीन्स रूट से निकलते हैं। तो वो एपिलिएटर भी सेम वही काम करता है, बस हमें इसमें थ्रेडिंग या फिर वैक्सिंग की झंझट नहीं होती। तो एपिलिएटर जस्ट वही है, बस सिंपल शब्दों में मैंने समझा दिया। और मुझे ये एक मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, क्योंकि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा फास्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा धड़पड़ में रहते हैं, तो इतना टाइम नहीं रहता कि पार्लर वाली को बुलाए और वैक्सिंग वगैरह कराए। तो दिस इज़ वेरी हैंडी एंड जस्ट अप्रिशिएट कि इसका आउटर लुक कितना सुंदर है, लग्जूरियस है, पिंकिश काइंड का है, और उस पे जो वाइट ग्लिटर पार्टिकल लगे हुए थे कितने सुंदर लग रहे थे, स्टार्स की तरह। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसको यूज़ करना भी काफ़ी सिंपल है। जब शुरू शुरू में वो आया था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे यूज़ कैसे करना है, बट एक दो यूज़ के बाद मुझे समझ में आ गया। तो इसका जो पहला जो हेड ये जो दिख रहा है, और वो आपका एपिलिएटर है, और इसमें एक सेंसर स्मार्ट लाइट दिया हुआ है, जिससे कि आप स्टार्ट करते हो ना तो वो मतलब इतने अच्छे से आपके हेयर्स को दिखाता है कि आपके हेयर्स तुरंत ही मतलब अच्छे से निकल जाते हैं, छोटे से छोटा हेयर आपको नज़र आता है। तो आप अगर इसका बॉक्स खोलो तो आपको पहले एक मैनुअल मिल जाएगा और फिर इसका दूसरा अटैचमेंट मिल जाएगा, जिसमें आपका शेवर और मतलब ट्रिमर रहता है और एक ब्रश रहता है, जिससे कि हेल्प से हम लोग क्लीनिंग उसकी अच्छी से कर सकते हैं। और ये जो है वो ये जो एपिलिएटर है वो आप अपने शावर में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। और क्योंकि इसको यूज़ करने के बाद मुझे एक आध बार हेयर इनग्रोन्स की प्रॉब्लम आई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि एक साल यूज़ करके देख लेते हैं कैसा है नहीं है, देन मैं पोस्ट करूँगी अच्छा होगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा। इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम मुझे भी आई, तो इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया मैंने, कि मतलब मैंने अपने घर में होम स्क्रब, जैसे बॉडी स्क्रब बनाते हैं, मैंने वो भी शॉर्ट्स में डाला है, जो बॉडी स्क्रब बना करके मैं इसे यूज़ करती हूँ। मतलब मैं वीक में 2 से 3 बार वो बॉडी स्क्रब यूज़ कर लेती हूँ एंड देन आई यूज़ इट। तो मुझे इनग्रोन हेयर्स की प्रॉब्लम अब बिल्कुल भी नहीं आती। इनग्रोन हेयर्स ऐसा होता है जो पिक्चर में अभी आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको दो हेड्स मिल जाएंगे, जो कि एक हेड जो पिंक कलर का है वो आपको थोड़ा सिल्की रहता है, मतलब सेंसिटिव लोगों के लिए है, जो जिसके मतलब स्किन सेंसिटिव है, जैसे मेरी सेंसिटिव है, तो मैं हमेशा वो पिंक कलर वाला अपर हेड यूज़ करती हूँ। और एक वाइट कलर का वो दिख रहा होगा, वो है कॉन्टैक्ट कैप, मतलब अगर आप वो लगा दोगे तो डायरेक्ट आपके कॉन्टैक्ट में स्किन आ जाएगा और फास्ट फास्ट एपिलिएट होगा। तो मुझे वो नहीं चाहिए होता है कि कॉन्टैक्ट में स्किन है, तो मैं हमेशा वो पिंक वाला अपर हेड यूज़ करती हूँ। और एक और होगा, ये है आपका ट्रिमर हेड। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी तो मुझे समझ में नहीं आता इसे लगाना कैसा है। तो इसमें एक बटन जो नीचे दे रखा है, जो मेरे थंब के नीचे है, उस बटन को प्रेस करना होता है तभी निकलता है। वो ऐसे नहीं निकलता जैसे मैं निकाल रही हूँ, वो वैसे नहीं निकलता, हमेशा वो बटन को प्रेस करते हैं तभी वो निकलता है। तो ऑलवेज़ प्रेस दैट बटन एंड देन पुल इट आउट, तो ही मतलब वो निकलेगा। और फिर वो बटन को प्रेस करके हम लोग दूसरा हेड यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिमर हेड है, और ट्रिमर भी मैंने यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा ट्रिमर है। वैसे तो मैं ट्रिमर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ,
बट मैंने एक आध बार यूज़ किया है, ट्रिमर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड जब भी मैं कभी भी रश में होती हूँ, दिस इज़ वेरी मच कन्वीनियंट टू यूज़, क्योंकि इसके साथ एक आपको पाउच मिल जाता है जिसमें आप सारे हेड्स रख लो और एक चार्जर रख लो और यू आर गुड टू गो। और जब भी इसकी चार्जिंग पॉइंट में आप जब भी इसको चार्ज में लगाओगे, देन इट विल नेवर वर्क। क्या आप ये सोचोगे कि आप उससे चार्जिंग पॉइंट पे लगा लो और आप उसे यूज़ कर रहे हो, तो वैसा नहीं होता है। इसमें आपको मतलब चार्ज में लगा दो, 10-15-20 मिनट भी लगा दो और चार्ज हो गया तभी आप इसे यूज़ कर सकते हो, चार्ज में लगा के बिल्कुल भी नहीं यूज़ सकते। और सबसे अच्छी बात है, इसमें एक सेंसो लाइट है जिसके कारण एक भी छोटे से छोटा हेयर दिखता है और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। एपिलेटर मैं जब भी जहाँ भी जाती हूँ मैं इसे ज़रूर कैरी करती हूँ और ये मेरा वन ऑफ़ द फेवरेट गैजेट्स बन चुका है। और देख सकते हो कितना अच्छा सेंसो लाइट है। अगर आप थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा या फिर तेज़ प्रेस करोगे ना, तो वो ग्रीन लाइट रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसकी। और आपके हैंड्स इतने अच्छे दिखेंगे, लगेगा कि आप वैक्सिंग करा कर आए हो। और हाँ, एपिलेटर कराओ चाहे वैक्सिंग करो, आप वीक में ज़रूर यूज़ कर लो वो जो मैं होममेड बॉडी स्क्रब जो मैं बताई हूँ, और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर आपको ये परचेज़ करना हो तो मैं इसकी भी जो मतलब लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ताकि आपको इजी हो। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है। और इसमें दो स्पीड्स आते हैं, मैं हमेशा पहले स्पीड पर ही मतलब यूज़ करती हूँ धीरे धीरे। और थोड़ा बहुत दर्द होगा जैसे वैक्सिंग में होता है, वैसे ही इसमें भी थोड़ा बहुत दर्द होगा। एंड फिर उसके बाद आपको मतलब हमेशा आदत हो जाएगी यूज़ करने की, तो वैसे घबराने वाली बात नहीं है। मुझे भी लगा था बहुत ज़्यादा दर्द होगा बट वैसा कोई दर्द नहीं हुआ था। और ये देखो मैं दिखा रही हूँ कि मतलब अगर हम लोग थोड़ा सा भी अगर टेढ़ा वगैरह यूज़ करते हैं, देन उसका जो ग्रीन लाइट है वो रेड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सो दिस इज़ द रिव्यू। मैं जान गई होंगी कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती थी हूँ और कैसे इसे यूज़ करते हैं, आपने देख लिया होगा। ये एपिलेटर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा कॉस्टली है बट दिस इज़ वर्थ इट। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय।